सारे भ्रम है। मसलन जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसा अभी पूछा उन्होंने कि 1985 को लेकर रघुवरदास के टाइम में कट ऑफ हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी यही है, सीएम ने कुछ कहा पहले विधानसभा के भीतर, अब वो किसी और पे स्टैंड ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं, वो खुल के बोल नहीं रहे कि 1932 ही जो है ये कट ऑफ होना चाहिए। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम से जनता के बीच मैसेज क्लियर नहीं जा पा रहा है कि आंसू क्या जा रहा है, बीजेपी क्या जा रही है, या आप पहुंचा नहीं रहे। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, और पहला दिन से सुदेश महतो को किसी वॉयस में कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी भी कोई अंतर नहीं देखे, चाहे वो 2010 में हो, वो में हो, मैं जब जो साल से 20 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, सरकार में नहीं, सक्रिय राजनीति में हूँ, मैं एक दल का नेतृत्व कर रहा हूँ, कभी भी स्थानीय नीति को लेकर, स्थानीय लोगों के बाद नियोजन को लेकर, राज्य के वो सारे जरूरत विषय जिसकी आवश्यकता का मुझे बोध है, मैं उस संदर्भ में हमेशा मेरा बड़ा स्पष्ट रहा है, और एक नीति पर हम लोग चल रहे हैं और उसी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को कहेंगे आपके साथ आए इस मुद्दे पे, आपने कभी सुना होगा कि उन्होंने इसका विरोध किया? नहीं, खुल गया तो नहीं, नहीं आप, वो उनकी पार्टी का अपना कर, ये हो सकता है इनके सहयोग करने से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अनुरोध कर रहे हैं उसी तरह कांग्रेस का भी संबंध है। कांग्रेस कितना आगे बढ़ के बात कर रही है, राजद कितना आगे बढ़ के बात कर रही है, कभी पूछा आपने? एक सवाल है कि सदन में आप मौजूद थे जिस दिन मुख्यमंत्री विशेष सत्र के दिन, उन्होंने कहा 1932 लाएंगे, और उस दिन जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो हल्ला कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट करके कर रहे थे, कि हम लोगों ने सरना कोर्ट का प्रस्ताव भेज दिया है, आप खुद बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिलकर के हम लोग इस पर बीजेपी क्या इस स्टैंड, ये प्रश्न उनके लिए हो सकता है, मेरा स्टैंड भी स्पष्ट है सरना कोर्ट को लेकर, हम उसके पक्षधर हैं, और हम लगातार, मेरे विधायक आज अभी नहीं रहे आदरणीय कमल किशोर भगत जी, हाउस के अंदर मुखर होकर इस विषय को सर्वप्रथम, जब ये लोग आगे नहीं आए थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के दल के लोग भी इस विषय में आगे नहीं आए थे, तब से हमारी पार्टी आगे बढ़कर इस पे पहल कर रही है और हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा दादा, जो लोग पैदल चलेंगे जो बता रहे हैं आप 1000 की संख्या, वो क्या पैदल आएंगे वहाँ अपने इलाके से रांची तक? नहीं नहीं नहीं, वो लोग, वो हर विधानसभा का लोग यहाँ पर रांची पहुंचेंगे और यहाँ पर पद यात्रा करके महामहिम तक पहुंचेंगे, और वहाँ पर एक सभा होगी, और सभा के बाद मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया है या कमिटमेंट उनका है जो 30 महीना बीत गया उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए आवश्यक है कि वो कमिटमेंट को पूरा कराने का पहल कराए। अलग अलग दिन आएंगे, ये लगातार रहेगा ताकि सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर बना रहे कि लोग की इच्छा, लोग की भावना आपके दरवाजे तक आएगी। 23 तारीख से शुरू होगा, मैं आज खेल नीति आ रहा है सरकार का, खेल नीति आ रहा है, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में इसका प्रस्ताव प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, 2020 में भी सरकार ने इसी प्लेटफॉर्म तैयार किया, 2 वर्ष लगे, देर से आए, खेल नीति आएगा, खेल नीति को अगर आप प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा देखने का मौका मिला है, बाकी शाम को आपको दिखाई देगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।